चिराग, ये सब बात कर, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आज आप सब सुने मैं आज आपने मुझे फिर से सरप्राइज करके अभी तक आपकी हिम्मत का फैन था। आज मैं जल्लत का चलाकी का फैन बन गया। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। आपको कोई आइडिया भी नहीं है कितने टाइम से टॉर्चर झेल रहा है चिराग। बस दीपिका, सॉरी मिस। ऑर्डर ऑर्डर एनफ बेटा, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहा तू हमारी दीपिका के बारे में? हां यही संस्कार दिए क्या हमने तुझे? आज तक आप माँ चाची चाचू सब मुझे पूछ रहे थे, प्रीति मुझसे पूछ रहा था मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या बोला ना मुझे कोई प्रॉब्लम? आज मुझे प्रॉब्लम है पृथ्वी, मुझे प्रॉब्लम है। इन्होंने मुझे मर्डर कैसे बोल दिया? मैं मर डालू, मर डालू मैं। एक बार पहले आपके साथ भी ऐसा हुआ था ना, घर छोड़ के गई थी ना, मैं भी घर छोड़ के जा सकता नहीं जाऊंगा। आपके सामने खड़ा रहकर प्रूव करूंगा कि आप झूठी है। क्या बोला आपने कल रात को? मैंने आपको मैसेज करके बाहर बुलवाया, अभी दिखाता हूं, अभी मैसेज देखते हैं कि मैंने आपको कोई मैसेज किया भी है या नहीं। बस डर गई, अभी तो आपको कुछ बाहर ही नहीं आया सच। एक ही करके सारे झूठ बाहर आएंगे आपके। तब झूठी थी जब मैं ये घर छोड़ कर गई थी और ना मैं आज झूठ बोल रही हूं। दीपिका पूरा लाइन लेना, आपने कल रात मुझे मारने के लिए भेजा था। तुम बिगाड़ती हो, आज तक मैं सिर्फ भाभी के लिए चुप थी, लेकिन आज मेरी फैमिली पे बात आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, हमारी फैमिली में जो होगा हम उसे संभाल लेंगे। कैसे संभालेंगे आप, क्या करेंगी? आपको पता भी है, आपको कोई आइडिया नहीं कितने वक्त से ना ये टॉर्चर से गुजर रहा है। बस मिश्का, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। पायल दी लिमिट तो दीपिका ने क्रॉस कर दी है, और भुगत मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है, अब वो कुछ नहीं बोलेगा अपने लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। सही है, बिल्कुल सही है। अरे दीपिका ने तो जमाई साहब का, सही है बिल्कुल सही है। अरे दीपिका ने तो जमाई साहब को खूनी तक कह दिया। मैं तो सोच रही हूँ मेरे कान बच रहे हैं या सच में रहेगी। अगर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम, गंदा बदबू, बेबुनियाद इल्जाम लगा सकती हैं, तो आज मैं भी इनकी हर एक गिरी हुई हरकत सबके सामने लेकर आऊंगा। बस चिराग, बस कर बैठो। क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है तू दीपिका के बारे में? हाँ यही संस्कार दिए क्या हमने तुझे? मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि इन्होंने मुझे मर्डरर बोला। मर्डरर लगता हूं मैं। ऐसा ही कुछ हुआ था ना, पहले अपने घर से बाहर चली गई थी, मैं भी वैसे जा सकता हूं, लेकिन मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं अपने खड़ा होकर सबके सामने प्रूफ लेके आऊंगा और सबको बताऊंगा कि आप झूठी है। मैंने कल रात को आपको मैसेज करके बाहर अकेले में बुलाया था, तो मेरा फोन चेक करते थे कि मेरे फोन में कोई मैसेज है भी या नहीं। शट अप दीपिका जी, आपके चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। डॉक्टर साहब ने आपने उस गुंडे को भेजा था मुझे मारने के लिए। आपके शब्द से ये भी नहीं बदलेगा कि आप जो तो से और कुछ नहीं, अब सर से लेकर पैर तक सिर्फ और सिर्फ दिन भर की